नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। क्या आपको पता है कि साल भर में चार बार नवरात्रि आती है? जी हाँ, चार बार नवरात्रि आती है। वैसे अक्सर लोग दो नवरात्रि के बारे में जानते हैं, एक शारदीय नवरात्रि और एक होती है चैत्र नवरात्रि। इसके बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन इसके अलावा दो नवरात्रि और है जो कि आषाढ़ माह में और माघ के माह में आती है। यानी कि इसके अगर अंग्रेजी महीने की बात करें तो जो चैत्र नवरात्रि है वो मार्च अप्रैल में आती है, शारदीय नवरात्रि आपको अक्टूबर नवंबर में मिलेगी। इसके बाद जो आषाढ़ की नवरात्रि है वो जून जुलाई के करीबन आती है, और जो माघ नवरात्रि है वो जनवरी फरवरी के बीच में कभी आती है, ठीक है। और इनमें से जो लास्ट की दो नवरात्रि मैंने बताई है, इनको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जो सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते। और सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते और क्योंकि ये गोपनीय नवरात्रि है, इसीलिए इसका नाम गुप्त नवरात्रि है। लेकिन ये नवरात्रि साधना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नॉर्मल नवरात्रि है उसमें तो सभी लोग अपनी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन इन नवरात्रि में यानी कि गुप्त नवरात्रि में साधक लोग इसमें साधना करते हैं। इसमें चाहे फिर तंत्र विद्या की साधना करना हो या किसी प्रकार की उपासना, किसी प्रकार के मंत्रों का जाप करना हो, किसी मंत्र को सिद्ध करना हो, ये सारी चीज़ें इस समय हो सकती है। और इसमें कुछ विशेष प्रयोग भी किए जा सकते हैं, तो मैं आज एक विशेष प्रयोग आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको मनोकामना सिद्धि करनी है, अपनी मनोकामना को सिद्ध करना है, तो अभी मैं आपको एक प्रयोग बताने वाला हूँ, उस प्रयोग को इस नवरात्रि में जरूर करिए। अगर माता रानी ने चाहा तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो नवरात्रि है वो 2 फरवरी से स्टार्ट होकर 10 फरवरी तक रहेगी। 2 फरवरी 2022 से 10 फरवरी 2022 के बीच में जो टाइम रहेगा, इसी बीच में गुप्त नवरात्रि रहेगी। बाकी लोगों के लिए भी बताना चाहता हूँ कि जो बाकी की दो नवरात्रि करते हैं, जैसे कि जो शारदीय नवरात्रि करते हैं और जो चैत्र की नवरात्रि करते हैं, वो भी इस समय अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनके लिए क्या करना है, अगर वो चाहे तो 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कलश की स्थापना की तो आपको दोनों टाइम पूजा भी करनी है, दोनों टाइम आरती भी करनी है, दोनों टाइम माता रानी को भोग भी लगाना है। ये सारा काम जैसे आप चैत्र में करते हैं, जैसे आप शारदीय नवरात्रि में करते हैं, वैसे काम आप इसमें भी करिए अगर आप कलश की स्थापना करते हो तो। अगर आप नहीं करते तो आप साधारण उन दिन को मान लीजिए, उन दिन का पालन कर लीजिए। जैसे कि 2 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप सात्विक खाना खाइए, सात्विक तरीके से रहिए, किसी तरह की कोई बुरे काम मत करिए, अपने आप को शुद्ध रखिए, ऐसा भी करके आप इस 10 दिन को या 9 दिन को आप व्यतीत कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें जो विशेष प्रयोग है वो बता देता हूँ, जो मनोकामना सिद्धि प्रयोग है उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। प्रयोग क्या है कि इसमें आपको क्या करना है कि एक लकड़ी का पटा लेना है, यानी कुल मिला के लकड़ी की चौकी लेना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद माता रानी का अगर आपके पास मूर्ति हो तो वो मूर्ति स्थापित कर दीजिए, या फिर चित्र हो यानी कि एक फोटो हो तो फोटो आप उस पर स्थापित कर सकते हो। और फोटो के सामने घी का एक बड़ा सा दीपक माता रानी के फोटो के सामने लगा दीजिए, और फिर उस फोटो और उस दीपक के सामने आप सुबह शाम जो माता रानी का नवान मंत्र है उसका आपको 108 बार जाप करना है, सुबह भी और शाम भी। और ऐसा नहीं कि 108 बार ही जाप करना, अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपकी श्रद्धा हो तो जितने भी हो सके उतने आप कर सकते हैं, जितने ज्यादा करोगे उतने आपके लिए फायदा है। और ये मंत्र का जाप अगर रात में ज्यादा करोगे तो वो ज्यादा अच्छा है, वैसे तो सुबह शाम आपको करना ही है, लेकिन अगर रात्रि में आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप रात्रि में कितनी बार भी उसको कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें रात्रि में अगर आप करते हो तो ज्यादा इसका फायदा आपको मिलता है, ज्यादा इसके सफल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए रात्रि में जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा करना चाहिए। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ कि मंत्र क्या है। मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आपको 108 बार सुबह 108 बार शाम को जाप करना है पूरे 9 दिनों तक। अपने आप को शुद्ध रखना है, सात्विक खाना खाना है, किसी की बुराई नहीं करना है। जो भी एक व्रत में जिस तरह से अच्छे रह सकते हो वैसे रहकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। मैंने एक बात और बताइए आपको कि रात्रि के समय जितने ज्यादा हो सके आप अपने मंत्र का जाप कर सकते हो। और एक बात का और ध्यान रखें कि ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें आपकी साधना को जितना गुप्त रखोगे उसका फायदा उतना ही ज्यादा होगा, या उसकी सफलता के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे तो आप जो भी साधना करते हो उसको किसी इंसान को, किसी लोगों को बताना नहीं चाहिए, लेकिन खासकर गुप्त नवरात्रि में जो साधना की जाती है उसका जिक्र आप किसी से नहीं करोगे तो आपको फायदा जल्दी मिलेगा।
डेली जब सुबह शाम आप मंत्र करो तो मंत्र करने के बाद में आप अपनी इच्छा जो मनोकामना है वो माँ भगवती के सामने जरूर कहिए। जैसे सुबह का आपने मंत्र करा जैसे 108 बार या जितनी बार भी आपको करना है उतनी बार करने के बाद अपनी मनोकामना को माँ के सामने स्पष्ट करना है। स्पष्ट करना मतलब कहना है। इसी टाइप से रात में जब आप जाप करोगे उसके बाद भी आपको अपनी मनोकामना को माता रानी के सामने स्पष्ट करना, माता रानी के सामने कहना है। डेली आप ऐसा करना है आपको। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के दिवस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।